नमस्कार, यह जन भावना टाइम्स और मैं हूँ पारिजात। भारत में आयुर्वेद का पुनर्जागरण हुआ है और इसका शुद्ध रूप से श्रेय जाता है मोदी सरकार को। 2014 से पहले की हालत देखिए तो भारत में एलोपैथी की जबरदस्त पकड़ हो गई थी। होम्योपैथी भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, किंतु आयुर्वेद तो लग रहा था अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति भारत की ही देन है, जिसे दुनिया आयुर्वेद के नाम से जानती है। पर दुर्भाग्यवश भारत में ही लोगों का इस पर से विश्वास उठ सा गया था। लेकिन आज मोदी राज में हालात बदल गए हैं और 8 साल में ही आयुर्वेद ने अंगड़ाई लेकर उठकर खड़े होने में कामयाबी दिखाई है। अब भारत हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी दुनिया के कई देशों में आयुर्वेद ने अपनी पहचान बना ली है। अब माना जाने लगा है कि स्थायी उपचार के लिए आयुर्वेद ही सर्वोत्तम विकल्प है, और सत्य को स्वीकार भी किया जाए तो दो लोगों को इसका पूरा श्रेय दिया जाएगा। एक है पीएम मोदी और दूसरे हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने न केवल आयुर्वेद को अपितु नेचुरोपैथी को भी दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने न केवल आयुर्वेद के डॉक्टर्स का दुनिया भर में विश्वसनीयता के साथ उनकी लॉन्चिंग की, अपितु उन्होंने दुनिया भर के लिए दवाइयों का एक बड़ा स्रोत भी आयुर्वेद को बना डाला। अब आयुर्वेद की दवा कंपनियाँ देश के साथ साथ देश के बाहर भी अपनी पकड़ बनाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तरीय बनाने के लिए गुजरात के जामनगर में एक नया अभियान प्रारंभ किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इस चिकित्सा अभियान में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आदि सभी पारंपरिक चिकित्साओं का योगदान रहेगा। इन चिकित्सा पद्धतियों को विश्वव्यापी बनाने के लिए कुछ इमिग्रेशन स्टेप्स भी सोचे गए हैं, जिनको आयुष वीज़ा नाम दिया गया है। यदि सरकार इस आयुष वीजा का शुल्क सामान्य वीजा शुल्क से आधा कर दे तो भारत का आयुष अभियान अपने उद्देश्य में दुगनी तेजी से कामयाब हो पाएगा। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, किंतु तब इसको ध्यान में रखकर वीजा स्क्रीनिंग को और सख्त किया जा सकता है। पड़ोसी देशों के लाखों करोड़ नागरिक भारत की ऐतिहासिक चिकित्सा पद्धति के प्रशंसक हैं। सबसे अच्छी बात आयुर्वेद की यह है कि चिकित्सा एलोपैथी के मुकाबले बहुत सस्ती है। इस कारण भारत के निर्धन तो क्या, अमीर तो क्या, निर्धन भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दुनिया के गरीब देशों के लोग भी भारत आकर भारत सरकार के इस आयुष वीजा का लाभ लेकर अपना इलाज करा पाएंगे। इससे दो लाभ होंगे, एक तो अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे, आयुर्वेद का प्रचार भी होगा और प्रसार भी होगा। इसके अलावा एक लाभ और भी होगा, मेडिकल टूरिज्म से देश की आय भी बढ़ जाएगी। इसलिए भारत सरकार को इस दिशा में गंभीर होने की आवश्यकता है। इससे दुनिया के देशों में भारत प्रेम को बढ़ावा मिलेगा और भारत की छवि और भी निखर कर सामने आएगी। प्रधानमंत्री जी ने व्यावसायिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की औषधियों पर सरकार एक आयुष चिन्ह भी जारी करने वाली है, जो उनकी प्रामाणिकता की गारंटी होगी। भारत के सभी पड़ोसी देशों में आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ ऐसी कई भारतीय औषधियाँ चीन में आज भी इस्तेमाल हो रही हैं, जिनका असली नाम चीनी वैद्यों ने आज तक संस्कृत में ही रखा हुआ है। आंकड़ों के आईने में झांके तो अच्छी तस्वीर दिखती है। भारत की आयुष औषधियों का व्यापार पिछले 7 वर्षों में बहुत बढ़ गया है। अब भारत की दवाइयों का एक्सपोर्ट 3 अरब से बढ़कर $18 अरब का हो गया है, और इसके लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जितनी सराहना की जाए कम होगी। सरकार को अब केरल की तरह देश के हर ज़िले में ऐसी पारंपरिक चिकित्सा के केंद्र खोलने चाहिए, जिससे कि भारत की आयुर्वेदिक आमदनी खरबों डॉलर तक पहुंच जाए। इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म का भारत एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी बन सकता है। साथ ही साथ देश में लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है। भारत चाहे तो सभी पड़ोसी देशों में ऐसे आयुष केंद्र खोल सकता है। ये एक बड़ा अधूरा काम है, जिसे मोदी सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे देश का खजाना भी भरेगा और देश का दुनिया में डंका भी बचेगा। सरकार को यह भी करना चाहिए कि एलोपैथी समेत सभी पैथियों को मिलाकर चिकित्सा का नया पाठ्यक्रम तैयार करें, और साथ ही साथ मेडिकल की पढ़ाई भारत की हर भारतीय भाषा में, यानी कि जितनी हमारी राजकीय भाषाएं 15 भाषाएं, उनमें की जाए। अगर सरकार गंभीर होकर इस दिशा में जरूरी कदम उठाती है तो भारत चिकित्सा विज्ञान में एक नया इतिहास बिल्कुल लिखेगा और दुनिया में भारत का परचम बुलंद होगा। आज भारत हो या दुनिया, हर जगह मेडिकल माफिया ने कहर बरपाया हुआ है। लूट खसोट तो चल ही रही है, स्वास्थ्य की दुर्गति भी दुगनी तेजी से हो रही है। ऐसे में भारत दुनिया को एक बड़ी राहत की खबर दे सकता है। देखते रहिए जनभावना टाइम्स, फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।